दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर टेक्निकल ऑफिस के इस वीडियो में। फ्रेंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम लोग के जो मोबाइल फ़ोन में 1 GB या 2 GB डेटा मिलता है उस डेटा को पूरा दिन कैसे चलाएंगे। जी हां फ्रेंड, अगर आप अपने मोबाइल डेटा को यानी मोबाइल डेटा बचत करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में डेटा कैसे बचत किया जाता है जिसका उपयोग आप पूरे दिन कर सकते हैं इस वीडियो में हम आपको सिखा देंगे। तो लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के डेट में आज के इस टाइम में आप अगर फेसबुक यूट्यूब अगर 2 घंटे सही से यूज कर लेंगे तो आपका 100% गारंटी है कि मोबाइल का डेटा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने फेसबुक और यूट्यूब को 3 से 4 घंटे अगर यूज कर लेते हैं कंटिन्यू तो आपका मोबाइल का डेटा 100% ख़त्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल डेटा को कैसे बचत करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको बगल में यहाँ पर मेरा मोबाइल का स्क्रीन चलता हुआ दिखेगा। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर फर्स्ट में प्ले स्टोर दिख रहा है आपको इस प्ले स्टोर पर क्लिक करना है। ठीक है, हम देखिए हम जो आपको बताने जा रहे हैं उस स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, आपका डेटा बचत होना चालू हो जाएगा। आप जब जैसे ही अपने प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है जो कि आप सामने देख रहे हैं। इस वाले आइकन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का मोबाइल में इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आपका जो भी जीमेल आईडी है वो सामने आ जाएगा। आपको कहाँ पर क्लिक करना है तो आपको अपने सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जब इस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो आपके सामने जनरल नेटवर्क प्रेफरेंस ऑथराइजेशन फैमिली अबाउट ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि नेटवर्क प्रेफरेंसेस का एप्लीकेशन जो यहाँ पर आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा फ्रेंड तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा जो कि हम आपको सामने नीचे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आपको ऐप डाउनलोडेड प्रेफरेंसेस ऑटो अपडेट ऐप्स और ऑटो प्ले वीडियोस ये 3 चीज़ आपके सामने आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको बता दें कि आपको जो यहाँ पर ऑटो अपडेट ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली और डोंट अपडेट ऑटो अपडेट ऐप्स। तो आपको क्या करना है कि ओवर वाईफाई ओनली, यानी कि अगर आप किसी भी अच्छा वाईफाई से 5G से कनेक्ट करेंगे तो आपका डेटा ऑन हो जाएगा, या डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स पर भी आप क्लिक करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड हम ओवर वाईफाई ओनली पर क्लिक करके रखते हैं, जैसे कि हम किसी भी 5G नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होना चालू हो जाता है। ये रहा मेरा पहला अपडेट। आपको क्या दूसरा चीज़ बताना चाहेंगे, अब चलिए चलते हैं फेसबुक की ओर। आपको वहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि मेरा ये फेसबुक अकाउंट ओपन कर लेते हैं फ्रेंड, और फेसबुक ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने प्रोफाइल वाला ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करते हुए आना है नीचे की ओर, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेटिंग, प्राइवेसी शॉर्टकट, योर टाइम ऑन फेसबुक। आपको ये सारी चीज़ पर कहीं भी क्लिक नहीं करना है। आपको कहाँ क्लिक करना है तो मोबाइल डेटा यूजेज पर क्लिक करना है, जो कि आप सामने नीचे देख रहे हैं हमने उसको अंडरलाइन कर दिया है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा ऑप्टिमाइज डाटा सेवर। देखिए डाटा सेवर मेरा एनी टाइम क्लिक रहता है यानी कि ऑन रहता है। इसके बाद ऑन मोबाइल डाटा एंड वाईफाई, वाईफाई ओनली, और हमने यहाँ पर ऑन वाईफाई ओनली देकर रखा हुआ है, यानी कि आपका जो भी डेटा ऑटोमेटिक वीडियो प्ले होगा या ऑन मोबाइल से चलेगा तो हमने वो सारे चीज़ को ऑफ करके रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि मेरा मोबाइल का डेटा बच जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑटो प्ले जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कोई सारा भी वीडियो आता है। देखिए यहाँ पर ये वीडियो अभी मेरा डायरेक्ट चल सकता था लेकिन हमने ऑटो प्ले वीडियो को ऑफ करके रखा हुआ है, जिससे क्या होता है कि फालतू की डेटा जो होता है वो मेरा बचत हो जाता है और मेरा इंटरनेट पूरे रात यानी कि पूरे दिन तक चलता है। यहाँ से हमने क्या किया है कि हमने वही ऑप्शन को मोबाइल डेटा यूजेज को क्या किया है कि ऑन वाईफाई ओनली,
ऑटो प्ले वीडियो ऑन होगा जब हम किसी 5G नेटवर्क से कनेक्ट करेंगे या कोई वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरा 40% डेटा से ओवर होगा तो ये ऑटोमेटिक मेरा वीडियो चलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार से हमने ये सेटिंग करके रखा हुआ है। चलिए ये तो सेटिंग जान गए, आपको क्या करना है कि ऑन वाईफाई ओनली पर क्लिक करना है। जो भी हमने स्टेप बताया आप उसको फॉलो कीजिएगा। अब चलते हैं यूट्यूब की ओर। तो ये रहा मेरा यूट्यूब का एप्लीकेशन, हम इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ से हम जो भी चीज़ बताएंगे आप उस चीज़ को देखिएगा। जैसे कि ये वीडियो हो गया, इस वीडियो को अगर हमको चलाना है, गॉडफादर का कोई यहाँ पर जैसे रिव्यू किए हैं गॉडफादर, जो भी अभी ट्रेलर आया हुआ है सलमान खान मेगा स्टार चिरंजीवी का, तो हम इस पर दिखाएंगे कि इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐड वगैरह कुछ भी चलना चालू हो जाएगा। हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस चीज़ को बंद कर देते हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा साउंड को नीचे कर देते हैं और वीडियो को प्ले कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही आप प्ले कीजिएगा तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन सामने आ जाएगा। सॉरी, ये ऐड है तो ऐड को तो स्किप पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ से ऐड को स्किप कर दिया और ऐड स्किप करने के बाद यहाँ पर जो ऊपर में सेटिंग दिख रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। और सेटिंग क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले वीडियो क्वालिटी पर आ जाना है। वीडियो क्वालिटी पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऑटो रिकमेंडेड, हायर पिक्चर क्वालिटी, डाटा सेवर और एडवांस। तो यहाँ पर देखिए मेरा डाटा सेवर में लो पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर पहले से ही है, और एडवांस में हम क्या करते हैं कि हमको कोई भी चीज़ देखना रहता है हम अपने मन के मुताबिक उसको सेट करते हैं। ये नहीं कि YouTube हमको 1080p में दिखा रहा है तो हम उसको करेंगे, नहीं, क्योंकि वो ऐसा क्या होगा कि मेरा डेटा एक ही घंटा में 10 मिनट 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो ये ऑटो प्रेफरेंस, आपको अच्छा डेटा चलाना है तो 480p तक चला सकते हैं, अच्छा वीडियो आपको अच्छा क्वालिटी में दिखेगा। तो ये रहा फ्रेंड, ये अच्छा सिस्टम है। इससे क्या होता है कि आपका डेटा सेफ रहेगा और आप अपने डेटे को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि अपने अकाउंट पर सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको सेटिंग के ऑप्शन पर आ जाना है। और ऑटो प्ले वीडियो है, हमने उसको बंद करके रखा हुआ है, आप भी उसको बंद करके रखिएगा। जैसे कि ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो यहाँ पर ऑन है मेरा, तो हम क्या किए हैं कि इसको ऑफ कर देते हैं। हम आपको दिखाने के लिए ऑन किए थे इसलिए हमने इसको ऑफ करके रखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि आपका डेटा, जैसे कि आप किसी को मोबाइल दे दिए तो देखते देखते क्या होता है कि दूसरा वीडियो प्ले हो जाता है, तो वैसे में आपका वीडियो दूसरा या नेक्स्ट वीडियो प्ले नहीं होगा, उससे आपका मोबाइल का डेटा बचेगा। तो आशा करते हैं कि आप ये मेरे स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो आपका डेटा 100% बचेगा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो देखने के लिए फ्रेंड बहुत बहुत धन्यवाद।